आफ्टर ऑल जी माय जर्नी बिगिंस और बाय बाय कोलकाता, बाय बाय इंडिया। अपना ट्रेन का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगा, बहुत वंडरफुल ट्रेन है, बड़ा ज़बरदस्त सफ़र होगा मेरा। और ये ट्रेन अब मेरी कोलकाता से रवाना हो चुकी है। बहुत मेरा अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छे दिन मैंने स्पेंड किए, मोर देन 25 डेज। और अब मैं कोलकाता स्टेशन से आई एम लीविंग, मेरी ट्रेन तैयार है, जा रहे हैं अब हम टूवर्ड्स अमृतसर और फिर अमृतसर से बैक टू माय स्वीट कंट्री, माय पाकिस्तान, मेरा मुल्क। लेकिन जो मोहब्बत मुझे यहाँ पर मिली है वो लाजवाब है। कलकत्ता स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, ये 24th कोई प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर ये ट्रेन यहाँ पर आके लगी है, और बड़ा साफ़ सुथरा स्टेशन, बहुत ज़बरदस्त, रियली बड़ा इम्प्रेसिव। बहुत देखें, पीछे मेरे स्टॉल्स भी हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। और ये एसी वाली ट्रेन है, A1, बड़ी कंफर्टेबल ट्रेन है, अंदर की सीट्स भी मैं आपको बताऊंगा। सो वंडरफुल, आप ये कोलकाता के मनाजिर देख रहे हैं। ये मेरा आखिरी कोलकाता से वीडियो है, और ये इसके बाद वीडियोस में कनेक्ट करूंगा आपके पास साथ। ये कोलकाता रेलवे स्टेशन है, हावड़ा रेलवे स्टेशन है, और आई एम लीविंग, ये ट्रेन जा रही है। वंडरफुल एक्सपीरियंस, आप देखेंगे कितने ट्रैक्स हैं, 15-16 ट्रैक्स हैं इस तरफ। और ये रियली वेरी इम्प्रेसिव, मैंने ट्रेन इसलिए सेलेक्ट की है कि मैं ट्रेन पर ट्रैवल करना चाहता था। बहुत से लोगों ने मुझे सजेशंस दी कि इस ट्रेन पर ट्रैवल करें, इस ट्रेन पर ट्रैवल करें, लेकिन मेरी डेस्टिनेशन के ऊपर ये कोलकाता से ये ट्रेन मुझे मिल रही थी, जिसका टिकट मुझे मिला, और मैंने ये सेलेक्ट की ट्रेन। आप ये देखेंगे कितने ट्रैक्स हैं, लाइनों के जाल बिछे हुए हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा रश था रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन्स आ रही हैं, ये लोकल ट्रेन है। इस तरह की कई ट्रेन्स और कई ट्रैक्स मेरे दोनों तरफ हैं, ये देखें। और बहुत लंबी ट्रेन है, आप देखें कि दूर तक आपको नज़र आ रही होंगी इस ट्रेन की बोगियाँ, बहुत दूर तक आपको नज़र आ रही होंगी। ये गाड़ी के अंदर तो हम आपको कोलकाता के आपको हमने सीन्स दिखाए हैं, लेकिन ये ट्रेन में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि इट्स अ वंडरफुल। ये एक स्टेशन है, मैंने बेंगलोर स्टेशन देखा था, वो भी इतना ही बड़ा स्टेशन था, लेकिन ये कहते हैं कि ये कोलकाता का स्टेशन जो है वो बहुत बड़ा है। कई ट्रेन रोज़ यहाँ पर आती हैं, पूरे इंडिया से जाती हैं, ये सब इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं। और ये आप देखेंगे, ये रात के व्यूज़ हैं, अब ये ट्रेन चलती जाएगी, और मैं मुख्तलिफ़ स्टेशन्स पर भी उतरूँगा, और पूरा मैं इसको विजुलाइज़ करूँगा अपने इस सफ़र को। थोड़ा सा देर से ये अपलोड होगी वीडियो, क्योंकि इंटरनेट इश्यूज़ ट्रेन के अंदर होते हैं, और मेरे पास इतना कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेट नहीं है, तो इसलिए एक ट्रेन गई है, एक और ट्रेन आ रही है। आप देखें कितने दूर तक आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो हम जिस ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितने दूर तक उसकी बोगियाँ जा रही हैं, उसके साथ जो कंपार्टमेंट्स हैं, मेरी इस तरफ भी, बैक के ऊपर भी और फ्रंट के ऊपर भी,
सबसे लॉन्ग अगर मैं इसको गिनूँ तो ये मोर देन 30-35 आई थिंक सो होंगी। ये बैक के ऊपर भी आप देखेंगे 10-15 डब्बे हैं बैक की तरफ, और ये देखें आई एम रियली एंजॉयिंग। ये मेरी अपनी सिलेक्शन थी कि मैं ट्रेन को सेलेक्ट करूं, क्योंकि आई लव टू ट्रैवल इन इंडियन ट्रेन। चार स्टेट्स मैंने क्रॉस करनी है इस ट्रेन में, एक लंबा सफ़र है। इसमें मैं मुमकिन है कि 2-3 वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा मुख्तलिफ रेलवे स्टेशंस के ऊपर। ये देखें अभी ये फ़िलहाल स्टेशन के ऊपर ही ट्रेन है, और आप ये देखें कि कितनी लाइंस हैं, और ये सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, रियली इम्प्रेसिव। वंडरफुल, ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा मेरा, होप सो। ये ट्रेन के इनसाइड के हैं मनाजिर, ये देखें बहुत साफ सुथरी ट्रेन है, और अंदर चूंकि पैसेंजर्स हैं तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन। मैं सब आपको ट्रैक्स दिखा रहा हूँ कि ये ट्रैक्स देखें कितने ज़्यादा ट्रैक्स हैं, और ये और भी ट्रेन्स खड़ी हुई हैं। कलकत्ता से ऑल ओवर द इंडिया जो हैं वो ट्रेन्स जाती हैं। अभी देखें एक ट्रेन गई, उसके बाद इस तरफ से मेरे ट्रेन गई, फिर एक ट्रेन आ गई, ये लोकल ट्रेन्स हैं। बिजी, बहुत बिजी ट्रैक्स हैं ट्रेन के। ये अब हम कोलकाता से निकल रहे हैं, बहुत लंबी ट्रेन है। मेरा पूरा जूम जो है वो कैमरा का ख़त्म हो जाता है, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक ये ट्रेन है। ये बहुत अच्छा ट्रेन सिस्टम है इंडिया का, पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, और लोग बहुत प्रेफर करते हैं ट्रेन्स को। ट्रेन का टिकट नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है मुझे भी, वेटिंग के अंदर टिकट्स होते हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं ट्रेन पे ट्रैवल करना, कंफर्टेबल ट्रैवलिंग है। और अब ये ट्रेन फास्ट हो रही है, अब हम कोलकाता से निकल रहे हैं, और आप देखेंगे ये बहुत स्पीडी ट्रेन है, बहुत फास्ट ट्रेन है। मेरा सफ़र शुरू हो चुका है, मैंने आपके साथ कोलकाता स्टेशन से हम बाहर निकले हैं, और मैंने आपके साथ वो सब कुछ शेयर किया है, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ट्रेन के अंदर ट्रैवल करना। आई रियली एंजॉयड होल टूर, बहुत मज़ा आया मुझे, और मैं बार बार अपनी वीडियोस में इसलिए ज़िक्र करता हूँ कि जो लोगों की मोहब्बत मुझे यहाँ पर मिली है, जो लोगों का प्यार मुझे यहाँ पर मिला है, और जिस तरीके से लोग यहाँ पर जिनको पता चला कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो वो लोग जिस तरीके से आपकी केयर करते हैं, वो केयर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत वंडरफुल है, और आई रियली एंजॉयड द केयर द पीपल गेव। और ये मेरा सफ़र जारी रहेगा, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अमृतसर, अमृतसर देन लाहौर, और बैक वे टू माय कंट्री। बहुत सारे मैचेस कवर किए, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, और फिर कोलकाता।
अभी दो मैचेस हैं, लेकिन मेरी अपनी कोई बैक होम कोई मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वापस जा रहा हूँ। और एक और वजह भी है कि अगर टीम प्रॉपरली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही होती या ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नज़र आ रही होती इफ़ एंड बट्स के अलावा, तो मैं ज़रूर यहाँ पर रुकता, क्योंकि मेरे पास अभी वीज़ा था। लेकिन दोबारा बेंगलोर और फिर कोलकाता, तो अभी लॉन्ग वे टू गो है पाकिस्तान के लिए भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान वापस जाता हूँ और जो एनालिसिस वगैरह टीवी पे होगा वो पाकिस्तान से बैठकर होगा। मुझे वहाँ की कंडीशंस भी पता लग गई हैं, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तो इसलिए बड़ा इजी होगा वहाँ पर बैठकर तमाम चीज़ों पर तजिया करना, एनालिसिस करना। अब आशबी को कोलकाता ही कह सकता हूँ, क्योंकि अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं कोलकाता से। अगला मेरा वीडियो पता नहीं किस स्टेट में किस शहर से होगा, तो अब आशबी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, और रिव्यू दूंगा हर कमेंट्स के ऊपर, प्रॉपरली बात करूंगा अपनी हर वीडियो में पाकिस्तान जाकर। तब तक के लिए अब आशबी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।